हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार मदर इंडिया एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है एंशियंट हिस्ट्री, उसके अंदर हम आज मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो मगध साम्राज्य रहा है इस पे अलग अलग मतलब क्या वंश आए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था हर्यक वंश, बिंबिसार उसके संस्थापक थे। उसके बाद दूसरा जो है वो शिशुनाग वंश आया, इसके बाद नंद वंश आता है। तो इस प्रकार से अभी हम जो मगध का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, वंश था, वो कौन सा था? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो मगध के अंदर देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि गणानंद जो कि बहुत ही घमंडी राजा होता था, किस वंश का? नंद वंश का अंतिम शासक होता था। और विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर होने लग जाते हैं तो इसका पता किसको लग जाता है? आचार्य चाणक्य को पता लग जाता है, जिसका नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य पंडित भी कहते हैं। वो सभी राजाओं के पास जाता है कि हमारे भारत के ऊपर सिकंदर क्या कर रहा है, विदेशी आक्रमण कर रहा है। तो उससे बचाने के लिए अलग अलग राजाओं के पास जाता है। इसी प्रकार से क्रम वाइज वो किसके पास जाता है? गणानंद के पास जाता है। और गणानंद ने उसे मतलब धक्के देकर कहते हैं कि बाहर निकलवा दिया। और उसने मतलब इस चीज़ को अपना अपमान मानते हुए उसको बोल दिया कि एक दिन मैं आपको आपके इस राज सिंहासन से हटाकर छोड़ूंगा। तो ऐसे केस में कहते हैं कि कौटिल्य पंडित तक्षशिला के अंदर मतलब एक आचार्य का कार्य करते थे तक्षशिला गुरुकुल के अंदर। और फिर वो वहाँ पर मतलब जाते हैं, तो जाते समय रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य को किसी गुलाम के वहाँ से खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको मतलब क्या है शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो कि आगे चलकर क्या बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। तो मौर्य साम्राज्य की देखिए हमें अलग अलग जानकारी पता लगती है। मगध में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या शक्तिशाली वंश कौन सा था? मौर्य वंश था भाई, ठीक है। मौर्य वंश इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो चंद्रगुप्त था उसकी माता का नाम मौरा था। तो इसीलिए चाणक्य ने जब उसको उसकी माता से लिया तो उसको क्या बोल दिया कि आगे मतलब जो भी राज आएगा तो आपके नाम से आएगा, मौरा के नाम से आएगा। तो ये इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। इसके साहित्यिक तथ्य जो मिलते हैं, वो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उससे भी मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है। एक विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी भाई, ठीक है, उससे भी मतलब क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा इंडिका है मैगसथनीज ने लिखी थी, उससे भी मतलब क्या मिलती है? हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इसके मुताबिक भारत को 7 भागों में भी डिवाइड किया गया है। इसके बाद वायु पुराण जो है, वायु पुराण से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ दीपवंश और बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी मौर्य साम्राज्य व चंद्रगुप्त की हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इसका जो पुत्र था बिंदुसार और उसका पुत्र कौन था? सम्राट अशोक था। उससे भी हमें जानकारी मिलती है, किसकी? उसके अभिलेखों से। स्तूप जो बनवाए थे उसने, उसके समय के बने हुए भवन हैं या स्तंभ है, और मृद भांडों से भी मिलकर हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है स्टूडेंट्स? ये मिलती है मौर्य साम्राज्य की। तो अब हम बात करते हैं इसके अलावा चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त मैंने बता दिया है, या इसको कौटिल्य पंडित भी कहा जाता है। तो इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब शिक्षा दीक्षा देकर और राजा बना था। कब? 322 से लेके 297 तक राज करेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मैं बता देता हूँ कि वैसे जो मौर्य साम्राज्य है वो 322 से 184 BC तक रहता है। तो अब हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस के अंदर मतलब एक इसको मतलब क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को वरीसल कहा गया है, नीच कुल का कहा गया है और कुलहीन कहा गया है भाई। किसको? मुद्रा राक्षस के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ में इसको शूद्र कहा गया है, बौद्ध व जैन धर्म में इसको स्तरीय कहा गया है, पुराणों में इसको निमन कुल का कहा गया है, और इतिहासकार एक जस्टिनो स्ट्रैबो था उसने इसको सेंड्रोकस कहा है। सेंड्रोकस क्या होता है? जिसके पास सेना के अंदर 6 लाख से भी अधिक सैनिक हो उसको सेंड्रोकस कहते हैं।
और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकस कहा है, और एंड्रोकस ने यह भी कहा है कि 6 लाख सैनिकों की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पूरे भारत को रौंद डाला, यानी कि पूरे भारत को एक अखंड भारत बना दिया था। और कहते हैं कि मतलब 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद किसने जीत लिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहते हैं कि आने वाले समय में जो सम्राट अशोक होगा वो 16 के 16 महाजनपद जीत लेता है। इसके बाद विलियम जोन्स ने 1784 में, मतलब इतिहास कर रहा है, इनकी पुस्तक है एशियाटिक, इसके मुताबिक इनको सेंड्रोकस कहा गया। भाई क्या कहा गया है, सेंड्रोकस ही कहा गया है। और इन्होंने कहा कि सेंड्रोकस ही कौन था, चंद्रगुप्त था भाई, सेंड्रोकस ही चंद्रगुप्त था भाई, ठीक है। इसके अलावा 305 ईसा पूर्व इसका युद्ध होता है किससे, सेल्यूकस निकेटर से, किससे होता है, सेल्यूकस निकेटर से। और इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि जीत जाता है, और जीतने के बाद इसकी एक संधि होती है, उस संधि के दौरान क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी दे देता है, और बदले में वो एक तो अपनी पुत्री की, मतलब पुत्री का विवाह कर देता है इसके साथ, और इसके अलावा कौन कौन सी तीन मतलब जगह रहेंगी, गांधार, काबुल और हेरात। गांधार, काबुल और हेरात जो मतलब जगह थी वो किसको दे दी जाती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपनी पुत्री मतलब उसकी भी शादी कर देता है। ये जानकारी हमें इतिहासकार एपीएन ने दिया है भाई, किसने, इतिहासकार एपीएन ने दी है। और इसकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, हेलना था, या फिर उसको कार्नोलिया भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस शादी से चाणक्य क्या नहीं थे, खुश नहीं थे, तो इसीलिए चाणक्य ने मतलब एक कंडीशन रख दी कि हेलना से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो क्या नहीं बनेगी, भारत की राजकुमार या राजा नहीं बनेगा। तो इसके बाद इसकी दूसरी जो पत्नी दुर्धरा थी, दुर्धरा इसकी पत्नी होती है, और दुर्धरा से मतलब इसको बिंदुसार पैदा होगा भाई। तो चाणक्य ने मतलब ये सोच लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई नहीं मार सकता है, यदि मारेंगे तो जहर देकर मार सकते हैं। तो इसने इसके दूध के अंदर विषैला पदार्थ डालना स्टार्ट कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य उसको भी क्या करना शुरू कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और फिर कहते हैं कि एक दिन ये नहाने के लिए गया हुआ था, और वहां पर वो जहर वाला दूध रखा था, तो दुर्धरा को उस बात का पता नहीं था, कहते हैं आकर दूध पी लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है, और उसी समय मतलब क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि शल्य चिकित्सा के द्वारा बिंदुसार को वहां से मतलब इसे निकालता भाई। और बिंदुसार का जब जन्म होता है तो कहते हैं उसके चेहरे पर जहर के कुछ बिंदु बने हुए थे, इसीलिए उसका नाम बिंदुसार रख दिया जाता है। और बिंदुसार चाणक्य को अपनी माता की मृत्यु का क्या मानता है, दोषी मानता रहता है भाई। इसके अलावा मैं बताता हूं कि कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हो जाता है भाई, अकाल पड़ जाता है भाई। इसके समय में क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और एक मैं बता देता हूँ, ये क्या करवाते थे, जनगणना भी करवाते थे अपने राज्य के अंदर। और इसके अंदर मतलब क्या होता है कि काल बताते कि 12 साल तक ये अकाल पड़ना था, तो ये क्या करते हैं, भद्रबाहु से जाकर दिगंबर जैन मतलब उसकी जो जैन धर्म है उस शाखा को अपना कर और जैन धर्म को अपना लेते हैं। और ये चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है श्रवण बेलगोला में, वहाँ पर जाकर मतलब क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और तपस्या के दौरान संथरा विधि से क्या करते हैं, अपने प्रयास ये अपने प्राण त्याग देते हैं भाई, ठीक है। कौन सी, संथरा विधि से चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्याग देते हैं, और 297 BC में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार क्या बनेगा, राजा बनेगा। और सुदर्शन झील का निर्माण भी किसने, इसी के समय में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसी ने उत्तरापथ जो है, जिसको हम GT रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जिसका निर्माण आगे चलकर पक्का कौन करवाएगा, शेरशाह सूरी करवाएगा। आज के समय में इसको NH1 और NH2 बोलते हैं, जो कि हमारा पाकिस्तान पेशावर से लेकर और कलकत्ता तक जाता है, और ये मतलब पंजाब से एंट्री करके और कहाँ तक, दिल्ली तक NH1, जिसका नाम अभी 44 कर दिया गया है, और दिल्ली से लेके आगे आगरा तक इसको NH2 बोलते हैं, तो ये NH44 नया नाम कर दिया, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग रहेगा। तो उसकी स्थापना भी कहते हैं किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। तो इस प्रकार से ये हमने आज मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करी स्टूडेंट्स, इसके MCQ करने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।